कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने वाहन उद्योग की रफ्तार काफी धीमी कर दी है। लॉकडाउन और अलग अलग राज्यों में लगाए जाने वाले कोरोना पाबंदियों की वजह से कई कार और टू व्हीलर कंपनियों एक से दो सप्ताह के लिए अपने प्लांट्स में प्रोडक्शन बंद रखने का ऐलान किया है। कुछ कंपनियों ने पहले से ऐलान शटडाउन में इजाफा भी किया है। अब इन कंपनियों की मुसीबत और बढ़ गई है क्योंकि अप्रैल में इनकी बिक्री में काफी गिरावट आई है। इस साल मार्च की तुलना में गाड़ियों की बिक्री 30.18% घटकर 12,70,045 यूनिट्स रह गई है। ऑटोमोबाइल कंपनियों के संगठन सियाम के आंकड़ों के मुताबिक सभी कैटेगरी की गाड़ियों की बिक्री में गिरावट देखी गई है। यात्री गाड़ियों की बिक्री 10.07% कम होकर 2,61,633 यूनिट्स रह गई है। कारों की बिक्री 10.06% घटकर 1,41,194 पर, यूटिलिटी व्हीकल की 11.02% घटकर 1,08,871 पर और वैन की 0.31% घटकर 11,568 यूनिट पर आई है। पिछले साल देश भर में लगे लॉकडाउन की वजह से सिर्फ 23 थ्री व्हीलर्स की बिक्री हुई थी, जबकि अन्य दूसरी कैटेगरी में बिक्री का आंकड़ा शून्य था। इसलिए सियाम ने अप्रैल 2021 के आंकड़ों की तुलना इस साल मार्च के आंकड़ों से की है।